हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का एक और इम्पॉर्टेंट पोएम का एक्सप्लेनेशन, जो कि है पर्वत प्रदेश में पावस। तो फ्रेंड्स, इस पोएम के पोएट का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। तो फ्रेंड्स, चलिए इस पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और हाँ, मैंने बाकी सारे चैप्टर्स और पोएम्स के वीडियो अपलोड कर दिए है, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो इन लाइंस में कवि ने वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में यानी कि पहाड़ी इलाकों में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। यानी कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। अपने सहस्त्र दृग सुमन फार अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल ने निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो इन लाइंस में कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। तो यहाँ पर कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करघनी यानी कि कमरबंध से की है। कमरबंध जो है वो एक ज्वेलरी होता है, जिसे स्त्रियां अपने कमर पर पहनती हैं। तो कवि कहते हैं कि कमरबंध के आकार वाले पहाड़ अपनी हजार पुष्प रूपी आंखें फाड़ कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है, वह तालाब पहाड़ के लिए एक बड़े आईने का काम कर रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उत्तेकांक्षाओं से तरुवर है, झाक रहे नीरव नव पर अनिमेश अटल कुछ चिता पर। तो इन लाइंस में कवि ने झरनों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो पहाड़ों का गुणगान कर रहे हो। तो उनकी ये आवाज नस नस में उत्साह यानी कि प्रसन्नता भर देती है। पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर बहुत सारे पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एक टक दृष्टि यानी कि बिना पलक झपकाए स्थिर होकर शांत आकाश की तरफ देख रहे हैं, मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हो। यानी वो हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फरका अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट परा भू पर अंबर, घस गए धारा के सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में बिचर बिचर, था इंद्र खेलता इंद्र जाल। तो इन लाइंस में कवि ने बारिश के बाद प्रकृति का जो बदला हुआ रूप होता है उसे दर्शाया है। कवि कहते हैं कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण ऐसा लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हो यानी कि गायब हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया है, केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डर के कारण धरती के अंदर घुस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाते हुए घूम रहे हैं। तो दैट्स इट, ये था हमारा पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने दूसरे चैप्टर्स और पोएम्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।